students, now I am going to teach you the 16th paragraph of lesson 3, Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. One night, Mahendra was woke up from his sleep by a low moan close to his window. एक दिन एक रात महिंद्रा जो है अपनी निद्रा से जाग उठे कैसे बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो अपने खिड़की के करीब एक हल्की सी कराहने की आवाज़ को सुन करके महिंद्रा जो है एक रात जग पड़े आई फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए गए ट्रैवलिंग अराउंड हर माइल्स शुरू में उन्होंने सोचा ये सोच करके उसको छोड़ दिया कि शायद कोई बिल्ली चूहों की तलाश में भटक रही आई फर्स्ट ही पुट इट डाउन मीन्स पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया कैट ट्रैवलिंग अराउंड फॉर माइल्स ये सोच के कि शायद कोई बिल्ली चूहों की तलाश में भटक रही बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर इट कैट लेकिन आवाज़ जो थी इतनी अधिक थी कि ये जो है बिल्ली की आवाज़ जो है इतनी अधिक थी ऐसा नहीं लगता था कि वही हो ही रेसिस्टेड द क्यूरियासिटी टू लुक आउट बाहर देखने की अपनी उत्सुकता को रोक देता है लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट कहीं ऐसा न हो कोई ऐसी दृश्य दिखाई पड़ जाए हिच वुड स्टॉप हिज हार्ट जो उसके दिल को ही न बंद कर दे दिल की धड़कन को न रोक दे बट द रेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस डिलाइन लेकिन ये विलाप करने की आवाज़ जो थी वो विलाप करने रुदन की आवाज़ तेज और हो गई और कम बिल्ली वाला हो गया बिल्लियों जैसा भी नहीं रह गया He could not resist the temptation anymore. वह अपनी लालच को और अधिक नहीं रोक सका Lowering himself to the level of the window sill. Lowering himself, अपने आप को खिड़की की चौखट के स्तर तक झुका कर Lowering माने नीचे करके मीन्स झुका करके Lowering himself, अपने आप को झुका कर लेवल ऑफ द विंडो सिल खिड़की के स्तर तक ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड वो जो है